Huh, so I came to know about Bharat Calling through an email in college, and then I applied obviously, and then I got an email saying why don't you fill up this application form, and we're gonna reach out to you, and then after a couple of interviews I got selected. मेरा नाम सोहेल है. क्या नाम है? सोहेल. मैं भारत कॉलिंग से आया हूँ. भारत कॉलिंग मालूम है क्या है? नहीं मालूम? अच्छा, भारत कॉलिंग एक संस्थान है जो कि गांव-गांव में जाके और स्कूलों में जाके, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में जाके 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है. किसी को मालूम है उच्च शिक्षा क्या होती है? किसी को मालूम है उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा का मतलब मालूम है? हायर एजुकेशन. शिक्षा नहीं सुना है कभी? यहाँ पे आके और यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी और मोटिवेशनल स्किल सीखा, और हम हमें बताया गया था कि सेशंस लेना, तो हम तरह 10th और 12th क्लास में जाके सेशन पीटी का सेशन लेने गया. तो मुझे एक बच्चे ने पूछा कि भैया अच्छा हुआ आप यहाँ पे आए हो, हमें पीपीटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था. हमें कोई यहाँ गाइडेंस करने वाला नहीं होता है जिसके कारण हम पीछे रह जाते हैं ना, तो हमें टीचर व्यस्त रहते इसलिए हमें बता पाते कि हमें आगे क्या करना है, और ना ही हमारे पास ऐसे कुछ संसाधन है जिससे हम आगे बढ़ सके, और हमारे घर में भी ऐसा माहौल नहीं बन पाता कि हमें हर चीज़ की जानकारी मिल पाए. और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जब मैं बच्चों के बीच जाता था, उनको उच्च शिक्षा के बारे में सारी जानकारी देता था, और उनकी जो इच्छा होती थी जानने की कि हमको आगे पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है, वो मेरे को बहुत ही अच्छी लगती थी कि उनके अंदर एक उत्साह था कि कोई आया है और हमको उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहा है. सब लोग पूछते थे, उनको पता नहीं होता था कि इनको एक्चुअली करना क्या है. जब हमने उनको बताया, उनके सपनों के बारे में बताया, तो उनके सपने उड़ान भरना स्टार्ट किया. जो जितनी एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ हम जाते थे, उतनी एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ बच्चे भी हमसे मिलते थे. इतना प्यार मिला उनसे, और इवन उस आधे पौने घंटे के सेशन में जब हम उनसे बात करते थे, मतलब हम लोग इफेक्ट देख पाते थे कि हमारी उस छोटी सी इंटरेक्शन से उन पे क्या इफेक्ट आ रहा है. जब आखिर में वो दीदी आप अपना नंबर दीजिए, आप ये बताइए, लाइक थैंक यू आपने हमें इतनी सब चीज़ों के बारे में बताया, हमें नहीं पता. लाइक यू रियलाइज दैट लिटिल थिंग्स ऑल्सो, दोज लिटिल एफर्ट्स ऑल्सो मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, और कहीं जाके कहीं ना किसी वे में वो और भी कितने लोगों को इम्पैक्ट करने वाले हैं. ये सबसे चैलेंजिंग ये मोमेंट रहा कि जब हम कोई भी गांव जाते थे तो वहां पे जाने का रास्ता बिल्कुल मतलब परे होता था, कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम किस रास्ते से जाएंगे, और फिर जैसे तैसे बस, ऑटो, रिक्शा, जो कुछ भी मिलता था हम उसकी सहायता से उस गांव तक पहुंचते थे और अपना संदेश बच्चों में देते थे. स्टूडेंट्स की लाइफ में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो कुछ बोल नहीं पाते थे, जो कुछ कर नहीं पाते थे, जो जिन्हें ये तो पता था कि मुझे आगे कुछ करना है लेकिन क्यों करना है और कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था. यहाँ से क्या लेके जा रहा हूँ, हम सब लोग अलग अलग जगह से हैं, सबके अलग नाम, अलग चेहरे, अलग बैकग्राउंड, और हम सब लोग ये इकट्ठे हुए हैं, सबकी सेम आइडियोलॉजी है और सेम स्पिरिट से काम करने के लिए है, वो एजुकेशन. एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम देश बदल सकते हैं. बट बाई कमिंग हियर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, आई एम एबल टू राइट द हिंदी, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी थैंक्स टू भारत कॉलिंग. आई फील दैट आई हैव बीन वेरी लिटिल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, बट देन that little part is needed sometimes to make a huge change. क्योंकि when सब सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं सरकारी स्कूलों में, उनको that आशा, मतलब that one point, that hope, नहीं, they don't have that hope. And you know, इतने सारे problems की वजह से, इतने सारे कठिनाइयों की वजह से उनका जो hope जो है वो गिरते जा रहे, start becoming hopeless. Sometimes you just need that one person or that one thing in life which instills hope back into you. And after that, like all the changes just fall. Self-confidence feel ho raha hai zyada. First time I took a session,
in front of a class full of people. जब मैं भारत कॉलिंग में आया था तो मैं एक ऐसा बंदा था कि जिसे अपनी ज़िंदगी के यानी आगे क्या करना है ये तो पता था, लेकिन कैसे करना है ये चीज़ नहीं पता था। भारत कॉलिंग से जुड़ने के बाद मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। और जैसे एक नदी जो होती है, एक जो नदी होती है वो एक पहाड़ से निकलती है, लेकिन उसे ये पता होता है कि मुझे समुद्र तक जाना है, लेकिन रास्ता नहीं पता होता है। और वो पहाड़ों में कहीं ना कहीं लड़के कहीं ना कहीं अपने दम तोड़ देती है। और भारत कॉलिंग से मैं यही चीज़ सीख के जा रहा हूँ कि पहाड़ों को चीरना कैसे, अपनी जो समस्या आने वाली है मेरे जीवन में उन समस्याओं से मुझे लड़ना कैसे। एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से लेके जा रहा हूँ, पेशेंस, धैर्य जो मुझ में बहुत कम था, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। तो यहाँ से मैं सीख के जा रहा हूँ कि धैर्य के साथ में काम किया जाए तो काम आसानी से हो जाता है।